हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की, और बहुत अच्छे से बढ़िया से तैयारी में लगे हुए होंगे। इसी सीरीज में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पीरियोडिक टेबल की पूरी सीरीज लेके आऊंगी कि आप एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हो अच्छे से, तो उसी सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम मेमोराइज कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। मजे मजे में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद भी हो जाएगी एंड आपको मतलब ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कि कैसे याद करें, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रिक्स और मजेदार ट्रिक्स हैं ये। तो इससे मजा तो आ ही रहा है, गेम की तरह हम खेल रहे हैं से और साथ साथ हमें याद भी कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें लेफ्ट साइड हमारे दो दो ग्रुप्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, एल्कली और एल्कलाइन। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बना चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी वो जल्दी देख ले। बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, थ्री से यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसकी भी सीरीज में बना इसकी भी मैं बना चुकी हूँ शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, वो भी आप चेक कर लो। आज हम बात करने जा रहे हैं इन राइट साइड पर रखे हुए 6 ग्रुप के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें कहा गया है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन हीलियम की फैमिली, और नीचे दो सीरीज हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको बेटा कोई भी डाउट, किसी भी तरह का एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हो, नीचे कमेंट डाल सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पूछ सकते हो। या फिर अनअकैडमी ने एक बहुत अच्छा फीचर स्टार्ट किया है जो है आस्क अ डाउट, वहां से भी आप पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का, वहाँ के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एवर रेडी हैं, हमेशा ही तैयार हैं। तो ये आप किसी भी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही डाउट पूछोगे। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि आपको ये डाउट कैसे पूछना है अनअकैडमी पर। तो सबसे पहले तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन में, एंड देन वहां देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आस्क डाउट, उसे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शंस आएंगे, या तो आप पिक्चर सीधा उसी टाइम लेकर डाल सकते हो, या फिर आपने यदि गैलरी में सेव कर रखी है तो गैलरी से भी आप पिक कर सकते हो। गैलरी पर जाओ एंड देन वहां पर जो आपने पिक ली हुई है बुक से या सॉफ्ट कॉपी से कहीं से, तो उसको क्रॉप कर लेंगे, सिर्फ उस क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे जो आपको पूछना है। एक क्वेश्चन एक ही बार में पूछना है, ठीक है? आप पूछ हजारों सकते हो, लेकिन एक बार में एक क्वेश्चन। अब इसके नीचे यहाँ अपलोड करेंगे और इसके नीचे सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो क्या है मैथ्स है वो डाल देंगे, लिख देंगे, एंड देन बस वेट करेंगे अपलोड करने के बाद कि आपका आंसर जल्दी ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है? ये इसका तरीका है पूछने का, कैसे आपको अनअकैडमी पर पूछना है। और ये सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप पर ही पूछ सकते हो। इसके साथ यदि आप न्यू कमर हो, आपने अनअकैडमी कभी ज्वाइन नहीं की है, स्पेशल क्लास देखना चाहते हो, या इवन आप डाउट भी क्लियर करना चाहते हो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, कोड डालोगे डीएसएल क्लासेस, तभी आपका अनलॉक होगा वहां पर, नहीं तो आप वहां पर नहीं, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा अंटिल अनलेस आप अपने आप को अनलॉक नहीं करते विद द हेल्प ऑफ दिस कोड विच इज डीएसएल क्लासेस। इवन यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी पर प्लस का, और या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, फरवरी मंथ के लिए ये ऑप्शन खुला है कि आप डीएसएल क्लासेस का कोड डाल के 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है? तो इतनी आपके पास इतना मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप जब भी आप चाहो पूछ सकते हो डाउट्स वगैरह अपने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अच्छे मार्क्स आने हैं आपके, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, डीएसएल क्लासेस और अनअकैडमी आपके साथ है। ये देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट जो मैं आपको दिखा रही थी कि पी ब्लॉक एलिमेंट की हम आज करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। तो ये हैं ग्रुप्स 13 बोरोन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 है हमारी ऑक्सीजन फैमिली, 17 फ्लोरीन फैमिली कहलाती है, और 18 को हम नोबल गैसेस कहते हैं, और 17 को हम हेलोजन्स भी कहते हैं।
ये सब क्लियरली लिखा है मेटल्स कौन, ये सब मेटल्स हैं जो पिंक से हैं, डार्क पिंक से सारे नॉन मेटल्स हैं, और ग्रीन से जो लिखे गए हैं दे आर मेटलॉइड्स। चलो ये तो अलग बात है, ये आप बाद में आराम से डिस्कस करेंगे इसे और वीडियो में। आज अभी हमें दिखा रही हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स। 13 ग्रुप की शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत मजेदार ट्रिक है। B फॉर बैगन, AL फॉर आलू, GA मीन्स गेलियम, गेलियम को हमने रख दिया है नाम गाजर, IN को हमने इन्हीं रखा है, इन्हीं कॉल करेंगे, और TL थेलियम को हमने दे दिया है थैला। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, दो बार आप मन में दोहराओगे याद हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये हमारा ग्रुप 13 का शॉर्ट ट्रिक है ना मजेदार। चलिए ऐसे ही ग्रुप 14 की देखते हैं। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन को हमने कहा है कि कहे, सिलिकॉन सीता बना दिया है, सीता जी बना दिया है, जी को जी रखा है सीता जी, एंड SN जो टिन है उसे हमने कहा है भाई सुनो हमारी बात, और लेड जो है वो PB जिसे कहते हैं उसे हमने प्रभु का नाम दे दिया है। तो चलिए देखते हैं पूरा क्या सीक्वेंस रहेगा। कहे सीता जी सुनो प्रभु, श्री राम से कह रही है वो कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, कहे सीता जी सुनो प्रभु। हो गई ना यार, मिनट में 1 सेकेंड में बहुत मजेदार शॉर्ट ट्रिक्स हैं। चलिए ग्रुप 15 की बात करते हैं, इसको हमने कैसे शॉर्ट ट्रिक किया है। एन फॉर नीटू, आप कोई और नाम भी रख सकते हो जो आपका मन कर रहा हो। P फॉर पूजा, AS फॉर आस्था, कुछ भी रख सकते हो। AS वैसे आर्सेनिक है, यहाँ पर हमने आस्था बना दिया उसे। SB मतलब सब, एंड BI मतलब ब्यूटीफुल। नीटू पूजा आस्था सब ब्यूटीफुल हैं। तो आप इनमें नाम भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, नीटू पूजा आस्था सब ब्यूटीफुल हैं। ग्रुप 16 में देखते हैं हमने क्या बनाए हैं शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए देखिए, ओ फॉर ऑल, ओ है ऑक्सीजन जिसे हमने ओल्ड बना दिए। S स्टाइल सल्फर, सेलेनियम टेलेरियम एंड पोलोनियम, सेलेनियम को हमने कहा से, टेलेनियम को कहा हमने टी, और पीओ मीन्स पीओ, ओल्ड स्टाइल से टी पीओ। तो क्या बन गया पूरा ये स्टेटमेंट, ओल्ड स्टाइल से टी पीओ। मुझे तो बहुत जल्दी याद हो गए हैं ये, आपको भी जल्दी याद हो जाएंगे बहुत। मैंने इसी टाइप से ही फिनोनिक्स की फॉर्म में ही मैंने ये याद किए हुए हैं पूरी पीरियोडिक टेबल, नहीं तो इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल कैसे याद होगी। तो मजे मजे में ही याद हो जाती है ऐसे ही फिनोनिक्स की हेल्प से। ग्रुप 17 में हमने हेलोजन फैमिली है ये पूरी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन को हमने कहा फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल CL हो गया कल, BR बाहर, आई आई ही है, AT को हमने आंटी बना डाला है, तो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो गया हमारा ग्रुप 17। और अब आते हैं हम लास्ट ग्रुप 18 पर। HE हो गया हमारा हीना, नियॉन हो गया हमारा नीना, आर्गन हो गया और, हीना नीना और करीना, KR मींस करीना की, ZXE को हमने जीरोक्स कर दिया है, जीरोक्स करीना की जीरोक्स, कौन है रानी है, रानी मुखर्जी है ना, तो हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी है। आप इनके नाम भी चेंज करके कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर सूट कर रहा हो। जैसे हीलियम को हीना बना दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो जो मन कर रहा हो। तो ऐसे आप स्टेटमेंट्स बना के याद करोगे, इनकी सुटेबल एक फनी फॉर्म में स्टेटमेंट्स बनाओगे और याद करोगे, जिन्हें फिनोनिक्स कहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाती है। तो ये आज हमारा था शॉर्ट ट्रिक्स फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।